सो नमस्ते गाइस, मेरा नाम है जेबी और आप लोग देख रहे हैं रॉयल गेमिंग यूट्यूब चैनल। गाइस तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रो प्लेयर्स। हाँ गाइस, जो सबसे बड़े बड़े प्रो प्लेयर्स होते हैं, समझिए अज्जू भाई बोलिए, जो और भी बड़े बड़े मिस्टर ट्रिपल आर, गेमिंग सुब्रतो और भी जो बड़े बड़े से प्रो प्लेयर्स हैं ना, वो लोग कैसे खेलते हैं। हाँ गाइस, कैसे खेल लेते हैं वो लोग इतना हेडशॉट, मतलब भाई साहब क्या, मतलब कम से कम 4-5 हेडशॉट पड़ जाते हैं उनके हर शॉट्स में। सो गाइस, आज हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इतने हेडशॉट्स उनके कैसे बढ़ते हैं, वो लोग कौन से सीक्रेट सेटिंग्स यूज़ करते हैं जिससे उनका इतना ज़्यादा हेडशॉट्स बढ़ता है। सो गाइस, आज हम लोग आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं ये कौन सा सीक्रेट सेटिंग है जो हर यूट्यूबर यूज़ करता है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको वो भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इतने इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स लाते रहते हैं। गाइस प्लीज़ यार, 28 सब्सक्राइबर हो चुका है, अब 30 सब्सक्राइबर प्लीज़ कर दो। सो गाइस, चलते हैं सेटिंग्स की और देखते हैं वो कौन से सीक्रेट सेटिंग्स है जिसे करके वो लोग इतने हेडशॉट्स मारते हैं, ग्रैंड मास्टर चले जाते हैं, हीरोइक चले जाते हैं एक एक दिन में। सो चलिए जाके देखते हैं। सो गाइस, पहले आप लोगों को ये जो यहाँ पर सेटिंग का आइकन बना हुआ है यहाँ पर जाना है। यहाँ पर सेटिंग का आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर पहले आ जाएगा बेसिक। यहाँ पर ग्राफिक्स आप लोगों को सेट करना है। ग्राफिक्स में यहाँ पर देख सकते हैं परफॉर्मेंस, अच्छा ग्राफिक्स में आप लोग स्टैंडर्ड में खेल सकते हैं, इससे आप लोगों का एकदम ही मतलब इधर उधर नहीं होगा। फिर आता है सेंसिटिविटी सेटिंग्स। गाइस, आज हम लोग मेनली इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये अभी इसे देख कर आप लोग सेंसिटिविटी सेट मत कर लेना, क्योंकि अगर ये कर लिया आप लोगों ने तो आप लोगों का गेम प्ले पूरा ठप हो जाएगा। गाइस, इसके पहले हमने एक वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे आप लोग ऑटो हेडशॉट मार सकते हैं, लेकिन गाइस वो सोलो का था। अभी स्क्वाड में खेलने के लिए जो बेस्ट रैंक मतलब टिप्स होता है ना, वो आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो के एकदम एंड तक देखते रहना। सो गाइस, पहले आते हैं ये जनरल की सेटिंग्स के ऊपर। गाइस, सेंसिटिविटी जनरल का चीज़ है, हाँ का चीज़ है वो तुम है ना, अभी ये सबके मन में आता है। सो गाइस, यहाँ पर है क्या है कि हमारा जो मूवमेंट होता है ना, ये ऐसे 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 घुमाते हैं स्क्रीन को, उसे कहते हैं जनरल का सेटिंग्स। ये जनरल का सेटिंग्स को आपको हमेशा 100 में रखना है। सो गाइस, अगर अभी और एक बात है, जो रेड डॉट है ना, ये रेड डॉट आप लोगों को हमेशा 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 आप लोगों को पूरा का पूरा 100 में रखना है, क्योंकि रेड डॉट अगर 100 में ना रहा तो आपको हेडशॉट नहीं पड़ेगा, एकदम ही नहीं पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर आते हैं 2x स्कोप के ऊपर। 2x स्कोप, अगर यहाँ पर कुछ एक फंडा है आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर आप लोग एयर प्रिसाइज ऑन स्कोप करेंगे तो 2x स्कोप का थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एयर प्रिसाइज नहीं करता हूँ, डिफ़ॉल्ट करके रखता हूँ मैं, मुझे बहुत मतलब सुविधा होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2x स्कोप को यहाँ पर अगर आप लोग भी मतलब क्या कहते हैं प्रिसाइज नहीं करते हो, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो उसके लिए सॉरी। अभी यार 2x स्कोप को आप लोग अगर एयर प्रिसाइज नहीं करते हो तो आप लोग यहाँ पर इसको 100 कर सकते हो। 4x स्कोप 100 मत करना, 80 से 85 के अंदर रखना, उससे आप लोगों को ज़्यादा सुविधा होगा। और AWM स्कोप को 60 से ज़्यादा मत करना। गाइस, ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सो गाइस एंड तक देखते रहना। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया कि आप लोगों को कैसे करना है। अभी साउंड में चलते हैं। म्यूज़िक जो है थोड़ा सा आप लोग घटा देना, और जो साउंड इफेक्ट है इसे हमेशा 100 में रखना। ये साउंड इफेक्ट क्या है आप लोगों को बता देता हूँ। ये म्यूज़िक मेरा स्लो हो गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये देख सकते हैं कितना ज़ोर से आवाज़ हो रहा है, इसे कहते हैं साउंड इफेक्ट। साउंड को फिर से मैंने म्यूट कर दिया जिससे आप लोग सुन सके। गाइस, वॉइस को आप 51 में भी रख सकते हैं, मैं कहूँगा आप लोग 60 में रखें या फिर 80 में रखें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब आप लोगों का कनेक्शन भी बहुत अच्छा होगा। और मैं सोलो ज़्यादा खेलता हूँ इसलिए मुझको 60 में ही रखना पड़ता है। आप लोग अगर सोलो खेलते हो तो 60 में ही रखना, और डुओ खेलते हो तो भी 60 में ही रखना, वो अच्छा होता है। सो गाइस, आज का वीडियो यही तक था, कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताइएगा। और गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना प्लीज़ गाइस। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।